की राजधानी शिमला में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के धारा 163 लागू करने के बावजूद संजौली में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर अड़ी रही। इस दौरान लोगों की भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ डाले। इसके बाद भीड़ मस्जिद से महज 50 मीटर दूरी पर पहुंची तो दूसरे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी चार्ज किया। इस दौरान दमकल वाहनों की मदद से पानी की तेज बौछार से भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की व लाठीचार्ज में पुलिस के 5 जवान समेत कुल 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और सिर में 2 डंडे मारे हैं। अभी जी अब कोई पुलिस का कोई गाड़ी किसने भरोसा करना के लिए, ये तो एम्बुलेंस जो विशेष वो है तो हिंदुओं से भी हिंदू ये है, वो जो कहते हैं कि हिंदुओं के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं ये पुलिस वाले। हम तो सीधी बात करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई मुसलमान क्या होते हैं तो उनके फेवर में ये ज्यादा क्या करते हैं। अवैध चीज को तोड़ने के बजाय ये हमारे कार्यकर्ता के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। पांव में पहुंचाया जाए ना तो यहाँ पर 99.99% ट्रेंड तो देखिए कि लोग का क्या है आम जीवन में जो है वो जो जिनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, जिनको दफ्तर में जाना है, जिनको अपना बिजनेस व्यापार करना है, सभी लोग जो है सामान्य है। लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त यहाँ पर है कि नहीं है? आप देखिए प्रोटेस्ट की तो जब कोई बात ही नहीं है, प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप उसकी करेक्ट असेसमेंट करिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। हमने लोगों से पीस की आह्वान की है और लोग उस पीस की आह्वान पे जो है वो अपना जिन जिन दिन।